और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुगेली जिला में एक बार फिर डीजे संचालकों की एकजुटता और सहयोग की भावना सबके दिलों को लुभा गई। जी हाँ, ऐसा कम ही देखने को मिलता है जहाँ किसी संगठन या यूनियन के द्वारा किसी सदस्य पर आपदा विपदा आ जाने के बाद भी उसे पूरा संगठन अपने कंधों पर उठाकर सहयोग की लाठी बन खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला मुगेली जिला में देखने को मिला, जहां डीजे साउंड लाइट कल्याण संघ मुगेली द्वारा अपने संगठन के एक सदस्य पर आई विपदा के बाद उसे न्याय दिलाने पीड़ित परिवार के साथ लाठी की भूमिका अदा करते सहयोग की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मुगेली के एक डीजे संचालक वकील कैवर्त ग्राम फुलवारी ऐप कोरोना महामारी और लॉकडाउन के भीषण परिस्थिति में जिले से बाहर कमाने खाने गया हुआ था। इस दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले की सुनवाई और जांच के दौरान दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, परंतु उसके बाद अब तक मृतक वकील कैवर्त को न्याय नहीं मिल पाने की वजह से मुगेली के डीजे साउंड लाइट कल्याण संघ द्वारा लगातार न्याय दिलाने भरसक प्रयास की जा रही है। भैया, जो मेरे बड़े भैया था वो मतलब गाड़ी लिया था सेकंड हैंड, और किस्ती के कारण रायपुर जो थोक सब्जी मंडी है उसमें बाहर छोटे मंडी में सप्लाई करते थे, और उसी बीच अज्ञात लोगों ने मौका पाकर हादसा के अंजाम दे दिए। भैया, मतलब ऐसे है कि मतलब इन लोगों को खबर मिला कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो ये लोग सहयोग राशि के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इसी प्रयास के फलस्वरूप बीते दिनों संगठन के सदस्यों ने मिलकर पीड़ित परिवार को 7,151 रुपए सहयोग के रूप में प्रदान किया और अपने सहयोगी वकील कैवर्त को न्याय दिलाने हर संभव प्रयास करने की बातें कहते हुए परिवार के साथ खड़े नजर आए। भैया जी नमस्कार, कर्मा डीजे मुंगेली से हूँ। भैया, मेरे मुंगेली साउंड परिवार के एक एक सदस्य हम सबको एकता के सूत्र में बांध करके रखे हैं। यदि कहीं भी और किसी भी और कुछ भी कारण से हमारे साउंड यूनियन के कोई भी सदस्य आपदा के या कोई परेशानी युक्त किसी की मौत हो जाती है या कोई भी कारणवश, तो उनको सहयोग करने के लिए हमारे साउंड परिवार सजग है, और उसी का एक जीता जागता उदाहरण फुलवारी ऐप में देखने को मिल रहा है। मृतक परिवार मेरे मित्र था जो अब नहीं रहा, उनके पिताजी हैं ये, और इनको हमारे यूनियन ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा 51,700 रुपये सहयोग बच्चे के विकास के लिए दिया गया है, और साथ ही साथ यह आश्वस्त किया गया है कि बच्चे को जब जब जरूरत पड़ेगा हमारे यूनियन का, हम खुलकर मदद करेंगे, वो हमारे बच्चे हैं। यदि ऐसी कोई भी और पूरे जिला में कहीं भी घटना होता है तो उसके लिए हमारे यूनियन ने यह तय किया है कि उनको संवेदना व्यक्त करें, जा करके उनकी खबर लें और सहयोग राशि के साथ उनको फुल आश्वस्त करना चाहिए कि हमारे डीजे लाइन में जब तक हम हैं तब तक सहयोग मिलता रहेगा लोगों को। मुंगेली के इस फुलवारी ऐप के माध्यम से और आपके कैमरा के माध्यम से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश में इस तरह का सहयोग बरकरार रखें। जैसे भी जो भी सदस्य हैं साउंड यूनियन से जुड़े हुए, उनका अध्यक्ष को उनका जायजा लेना चाहिए, क्या है, कैसा है, क्यों घटना हुआ, कहाँ हुआ, और आखिरकार कम से कम में जाकर के संवेदना व्यक्त करना चाहिए और जो हो सकता है सहयोग राशि उनको प्रदान करना चाहिए, क्योंकि डूबता को तिनके की सहारा सुनिश्चित है। राजपूत मुंगेली जिला लाइट साउंड कल्याण मालिक समिति उपाध्यक्ष, सुनने में आज पता चला कि हमारे बीच के हमारे साउंड परिवार से भैया वकील कैमर्त जी का आकस्मिक निधन हो गया। अनवरत कोरोना काल के चलते 2 वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे डीजे वाले, गाड़ी का किस्त नहीं पट रहा था, जमीन जायदाद बेच करके डीजे व्यवसाय का काम कर रहा था, किसी कारणवश आर्थिक तंगी को देखते हुए डीजे काम बंद होने के कारण रायपुर में जा करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी यापन करने के लिए वहां गया था, मगर किसी हादसे का शिकार हो गया और हमारे बीच हमारे वकील भैया नहीं रहे। इसी कारण हमारे पूरे मुंगेली जिला के सभी सदस्यगण, सम्माननीय पदाधिकारीगण दुखी परिवार से मिलने के लिए आए हैं। भैया जी का 2-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 लड़का 1 लड़की, और
बुजुर्ग पिताजी हैं, कृषि का काम करते हैं। भैया जैसे ही हमको पता चला कि हमारे यूनियन के हमारे भाई जितने भी सदस्य हैं सभी हमारे भाई हैं, और एक हमारा अभिन्न अंग कहा जाए तो चले गए, तो उनके घर में हम लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको इस विपत्ति काल में ढाढ़स बंधाने के लिए हम पूरा यूनियन के लोग पहुंचे हैं। निसंदेह मुंगेली जिला के डीजे संचालकों की इस प्रकार के प्रयास सराहनीय है। ऐसे ही हर संगठन और हर क्षेत्र में अपने सदस्यों के लिए प्रयास किया जाए तो संगठन पर सदस्यों का भरोसा और भी प्रगाढ़ हो जाएगा। बहरहाल मुंगेली के डीजे साउंड लाइट कल्याण संघ द्वारा की गई इस पहल में जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न साहू, डीजे सितला, उपाध्यक्ष संजय सिंह राजपूत, प्रज्ञा डीजे, जिला सचिव महेंद्र साहू, कर्मा डीजे, ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह राजपूत, राजा डीजे लोरमी के साथ भारी संख्या में इस संगठन के सदस्यगण उपस्थित रहे। मुंगेली से अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।